नमस्कार, मैं इंदु रावत और आप देख रहे हैं सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राज्य अमेरिका की अपनी 4 दिवसीय पहली राजकीय यात्रा पूरी करने के बाद मिस्र की राजधानी काहिरा के लिए रवाना हो चुके हैं। वो यहाँ 2 दिवसीय राजकीय दौरे पर जा रहे हैं। अमेरिका से रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने वॉशिंगटन के रोनाल्ड रीगन सेंटर में भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया। रोनाल्ड रीगन सेंटर में भारतीयों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, एक तरह से आपने इस हॉल में भारत का पूरा नक्शा तैयार किया है। मैं यहाँ भारत के हर कोने से आए लोगों को देख सकता हूँ। ऐसा लगता है कि एक छोटा भारत बन गया है, उन्होंने कहा। भारत में लड़ाकू विमान के इंजन बनाने का जनरल इलेक्ट्रिक का फैसला भारत के रक्षा क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके भी अपनी यूएस यात्रा के समापन के बारे में कहा। उन्होंने कहा, एक बहुत ही विशेष यूएसए यात्रा का समापन, जहां मुझे भारत यूएसए की मित्रता को गति देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रमों और बातचीत में भाग लेने का मौका मिला। हमारे देश और पृथ्वी को आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर स्थान बनाने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज से मिस्र की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। ये 1997 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली आधिकारिक मिस्र यात्रा होगी। बता दें कि मिस्र की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी इंडिया यूनिट के साथ भी संवाद करेंगे, जिसका गठन मिस्र के राष्ट्रपति ने भारत यात्रा से लौटने के बाद मार्च में किया था। इस यूनिट में कई उच्च स्तरीय मंत्री शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने तथा कारोबार और आर्थिक सहयोग के नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा होगी। इस दौरान कुछ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। जनवरी में सीसी की भारत की राजकीय यात्रा के दौरान दोनों देशों के अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर दोनों देश सहमत हुए थे। प्रधानमंत्री काहिरा में हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव सिमेट्री का भी दौरा करेंगे, जो एक पवित्र जगह है और पहले विश्व युद्ध के दौरान मिस्र और फिलिस्तीन में सेवा करने वाले और शहीद हुए भारतीय सेना के लगभग 4,000 सैनिकों की याद में स्मारक बनाया गया है। मोदी दाऊदी बोहरा समुदाय की मदद से बहाल की गई 11वीं सदी की अल हकी मस्जिद का भी दौरा करेंगे। दो देशों की यात्रा पर जाते समय मोदी ने 20 जून को अपने प्रस्थान वक्तव्य में कहा था कि मैं किसी करीबी और मैत्रीपूर्ण देश की पहली राजकीय यात्रा करने को लेकर उत्साहित हूँ। वो यहाँ मिस्र की बात कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि हमें इस साल देश के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति सीसी का स्वागत करने का सौभाग्य मिला। कुछ महीनों के अंतराल में ये 2 यात्राएं मिस्र के साथ हमारी तेजी से विकसित हो रही साझेदारी की झलक पेश करती है, जो राष्ट्रपति सीसी की यात्रा के दौरान रणनीतिक साझेदारी में बदल गई। मोदी ने कहा था, मैं दोनों देशों की सभ्यता और बहुआयामी साझेदारी को और गति प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति सीसी और मिस्र सरकार के वरिष्ठ सदस्यों के साथ अपनी बातचीत को लेकर उत्सुक हूँ। मुझे मिस्र में प्रवासी भारतीयों के साथ बातचीत करने का भी अवसर मिलेगा। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। देश दुनिया से जुड़े तमाम न्यूज अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें सहारा समय के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।